हे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, जो शेन होता है उसे कल्टीवेशन के दौरान लगातार एक ही आवाज़ सुनाई दे रही होती है, जो उसे कह रही होती है कि गेस करो कि मैं कौन हूँ। अब इन आवाज़ों से वो परेशान हो चुका होता है, इसलिए यहाँ पे मोइन और हेथिन उसकी मदद करने के लिए उसे ये तरीका बताते हैं कि तुम्हारे अंदर जो सुप्रीम बोन था, इस व्यक्ति ने तुम्हारी बॉडी से वो निकाल लिया था। तुम्हें अपने सुप्रीम बोन को वापस लाना होगा। अभी हो सकता है कि ये आवाजें तुम्हें ना सताएं। अब अपने सुप्रीम बोन को ही लेने के लिए यहाँ पे जो शिन होता है वो वापस से अपनी फैमिली सेक्ट में पहुँचता है। अब यहाँ पे उनके फैमिली सेक्ट में उनके फैमिलीज में से किसी एक जीनियस को चूज करने के लिए क्लैन कंपटीशन हो रहा होता है, जिसके लिए उसके जो थर्ड अंकल होते हैं वो रजिस्ट्रेशन कर रहे होते हैं। यहाँ शिन भी वेश बदल के पहुँचता है और उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल कर देता है। अब आगे यहाँ से एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें उसी क्लैन कॉम्पिटिशन को दिखाया जाता है। यहाँ की बैटल फील्ड में शिन फाइट कर रहा होता है। शिन को फाइट करता हुआ एक वहाँ पे उसके जो तीन अंकल्स होते हैं, उनमें से जो सेकंड अंकल होते हैं वो अपनी ही फैमिली के एक लड़के यानी के चांग मिंग के बारे में यहाँ तारीफें कर रहे होते हैं कि उसे प्रमोट कर दिया गया है और उसे होली सन ऑफ थाउजेंड सॉर्ड सेक्ट का डिसिपल बना दिया गया है। तभी उस चांग मिंग का जो फादर है, जो कि यहाँ पे शेन का सेकंड अंकल है, वो कहता है कि मेरे बेटे का तो फ्यूचर प्रॉमिसिंग है और उसकी तरक्की करने का मतलब है हमारी फैमिली का नाम ऊंचा होगा। अब गर्व से उस सेकंड अंकल की छाती फूल जाती है जब उसके दो भाई ये कहते हैं कि तुमने अपने बेटे उस चांग मिंग को बहुत अच्छी टीचिंग दी है। इस पे उस चांग मिंग के फादर उन दोनों से कहने लगते हैं, ये तो हमारे फैमिली एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स है जिसके कारण मेरे बेटे चांग मिंग ने इतनी ज्यादा शोहरत हासिल कर ली है। अब आगे ये तीनों इसी बारे में ही बात कर रहे होते हैं कि हमें वापस से उसी बैटल फील्ड को दिखाया जाता है जहां मार्क्स लगाए शिन ने सभी के परखच्चे उड़ा दिए होते हैं और वहां पे वो खुलेआम ये चैलेंज कर रहा होता है कि लगता है कि अब यहां पे मुझसे आकर के फाइट करने के लिए ऐसा कोई नहीं बचा है, इसलिए मैं तुम सबको चैलेंज करता हूँ कि तुम्हारी हिम्मत है तो सभी एक साथ आओ मुझसे फाइट करने के लिए। लेकिन वहाँ ऐसा करने की किसी के अंदर भी हिम्मत नहीं होती है कि तभी जो शेन के अंकल होते हैं वो आपस में बातें करने लगते हैं कि लगता है इस लड़के का खून कुछ ज्यादा ही गर्म है जो अपनी जवानी का जोश यहाँ दिखाना चाहता है। लेकिन तभी सभी लोग ये सुनकर के हैरान रह जाते हैं कि शेन ने वहाँ पे अपने साथ मुकाबला करने के लिए उसी चांग मिंग को इस बैटल फील्ड में ललकारा होता है। चांग मिंग को वो कायर कहता है कि मुझसे बचने के लिए छुप के क्या बैठे हो, हिम्मत है तो मेरे सामने इस बैटल फील्ड में आके मुकाबला करके दिखाओ। अब जिस चांग मिंग की वो अंकल इतनी ज्यादा तारीफें कर रहे होते हैं उसका नाम सुन करके वो यहाँ शेन को ही भला बुरा कहने लगते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि हमारी फैमिली के जीनियस के बारे में ऐसा कहने की। आगे आसपास के उस फैमिली के जितने भी लोग होते हैं वो यही घुसुर पुसुर करने लगते हैं, लगता है कि इस लड़के ने मरने की ठान ली है इसीलिए इसने हमारे चांग मिंग को इस तरह से ललकारा है, क्योंकि अगर चांग मिंग यहाँ पे आया तो इसके दो मिनट में ही परखच्चे उड़ा देगा। अब आगे हम उस चांग मिंग का नाम बहुत सुन चुके होते हैं और फाइनली वो अपेयर होता है। अब जैसे ही वो बैटल फील्ड में पे अपेयर होता है, लड़कियां तो जैसे उसके लिए पागल ही हो रही होती हैं, उसे आई लव यू कहते हुए उसे मात्रे देख करके ही लोट पोट होके बेहोश हो रही होती हैं। आगे वो चांग मिंग आते ही यहाँ शेन से कहता है कि बहुत टाइम बीत चुका है, मुझे इस तरह से चैलेंज करने वाला आज तक नहीं मिला है। अब जैसे ही चांग मिंग यहाँ शेन के सामने अपेयर होता है, शेन को वापस से वही हेलुसिनेशन वॉइस सुनाई देने लगते हैं और उससे लगातार कहने लगते हैं कि क्या तुमने गेस कर लिया है कि मैं कौन हूँ। अब यहाँ शेन को लगता है कि इसी चांग मिंग की वजह से उसे ये हेलुसिनेशन वॉइस सुनाई दे रही हैं। इधर वो चांग मिंग यहाँ शेन को दिए हुए चैलेंज को एक्सेप्ट करता है और उसे कहता है कि अगर तुम इतने ही बहादुर हो तो मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ, मैं मुझ पे अटैक करने का मैं तुम्हें तीन मूव्स देता हूँ, देखते हैं कि इन तीनों मूव्स का इस्तेमाल करके तुम मुझे हरा पाते हो कि नहीं। अब उसके इतना कहने की देर होती है, यहाँ जो शेन होता है वो अपनी तलवार से उस पे पहला अटैक करता है, इसे चांग मिंग आसानी से डॉज कर लेता है। अब आगे हम इन दोनों की आइकॉनिक फाइटिंग को देखते हैं, जहाँ पे शेन जो है वो खूंखार तरीके से उस चांग मिंग पे टूट पड़ता है, लेकिन उसे लगातार चांग मिंग से फाइट करते हुए वही आवाजें सुनाई दे रही होती हैं जो उससे कह रही होती हैं कि लगता है कि तुमने गेस कर लिया है कि मैं कौन हूँ, तो जल्दी करो, जल्दी से गेस करो कि मैं कौन हूँ। इधर शेन की ताकत को देख करके वो जो थर्ड अंकल होते हैं वो अपने भाई से कहते हैं कि ये लड़का कौन है, जल्द से जल्द ये जाके चेक करो और इसकी आइडेंटिटी के बारे में पता लगा करके आओ कि आखिर ये कौन है। इधर वापस से सीन बैटल फील्ड की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ पे शेन के दिमाग में लगातार गूंज रही वही वॉइस परेशान करती है उसे, यहाँ उस फाइट में उसे फोकस करने से रोक रही होती हैं। बिल लगातार उसके दिमाग में गूंज रही इन आवाजों से वो काफी ज्यादा फेड अप हो चुका होता है और चिल्लाते हुए वो उस चांग मिंग पे अटैक करता है कि आज मैं इन आवाजों को बंद करके ही रहूंगा।
इधर दूसरी तरफ शेन ने जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल किया था वो उस थर्ड अंकल के सामने पेश किया जाता है, जहाँ पे वो उसका नाम देख करके हैरान रह जाते हैं, क्योंकि शेन ने वहाँ पे अपना असली नाम लिखा होता है जो कि चांग शेन होता है, जिसका मतलब है कि वो इसी फैमिली का ही एक बेटा है। और वो यहाँ गेस करने लगते हैं कि क्या चांग शेन दोबारा से रिबॉर्न हो चुका है। अब यहाँ जो वो चांग मिंग के फादर यानी कि वो जो सेकंड अंकल होते हैं जिसने शेन के साथ ये खूंखार हरकत की होती है, वो यहाँ पे डर रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं कि मैंने उसके साथ जो किया था कहीं वो उससे बच तो नहीं गया, तो उसका इम्पॉसिबल है जिंदा रह पाना, और हो सकता है कि शेन यहाँ उसी का बदला लेने के लिए आया हो। ये सोच के ही उस सेकंड अंकल के चेहरे की हवाइयाँ उड़ जाती हैं। अब इधर फिर से हमें उसी बैटल फील्ड को दिखाया जाता है, जहाँ अब भी शेन के दिमाग के अंदर वही आवाजें गूंज रही होती हैं, जिसके कारण वो उस फाइट में ध्यान नहीं लगा पाता और उसे बहुत ज्यादा हर्ट हो जाता है। अब उस चांग मिंग को हम देखते हैं कि अपने एक बहुत बड़े शॉट को वो एक्टिवेट करता है और यहाँ पे अपना आखिरी वॉर शेन पे करने ही वाला होता है। शेन भी यहाँ पे अपने अंदर हो रही आवाजों को ये चिल्लाते हुए कहता है कि चुप हो जाओ, और वो एक जोरदार अटैक उस बड़ी सी तलवार पे करता है जिससे वो चकनाचूर हो जाता है। अब जैसे ही वो बड़ी सी तलवार टूटती है, चांग मिंग वहाँ पे जमीन पे ढेर हो जाता है। ये देख के सभी सरप्राइज रह जाते हैं कि उनके नंबर वन जीनियस इस तरह जमीन पे ढेर पड़ा है। वो जो सेकंड अंकल होते हैं यहाँ अपने बेटे को उठाने की कोशिश करने लगते हैं, और गुस्से के मारे वो शेन से पूछ बैठते हैं कि आखिर तुम कौन हो और यहाँ पे क्यों आए हो, जिस पे यहाँ शेन अपना मास्क हटाते हुए कहता है कि सेकंड अंकल लगता है कि आपने मुझे पहचाना नहीं है, क्योंकि मैं इसी घर का ही एक बेटा चांग शेन हूँ। अब सेकंड अंकल को सबसे ज्यादा सरप्राइज लगता है और ये सोचने लगता है कि इसे तो मैंने मार डाला था, आखिरकार ये अब तक जिंदा कैसे है, कहीं इसने इमोर्टैलिटी तो प्राप्त नहीं कर ली है। सभी यहाँ शेन के जिंदा रहने पे ऐसा आश्चर्य जता रहे होते हैं जैसे उन सभी ने लगता है किसी घोस्ट को देख लिया हो, जिसपे शेन उनसे कहता है कि लगता है कि मेरा जिंदा रह पाना आप लोगों के लिए एक डिसअपॉइंटमेंट है, जिसे जान करके आप लोग इतना शॉक हो चुके हो। आगे जो थर्ड अंकल होते हैं वो यहाँ शेन को उठाते हुए कहते हैं कि आखिर तुम्हारे साथ हुआ क्या था और तुम कहाँ चले गए थे, और तुम इतने दिनों तक कहाँ थे और घर क्यों नहीं आए, इसीलिए सब ने यही सोचा कि तुम अब मारे जा चुके हो। जिस पे शेन यहाँ अपनी आप बीती उन सबको बताता है कि चांग शेन जो था वो तो अब बहुत पहले ही मर चुका है, और आपके सामने जो खड़ा है वो अब इस घर का बेटा नहीं है। अब शेन के मुंह से इस तरह से निराशाजनक बात सुन करके वो जो थर्ड अंकल होते हैं वो सेकंड अंकल पे चिल्लाने लगते हैं कि आखिर यहाँ पे क्या हुआ था, कोई मुझे बताएगा, जिसपे वो सेकंड अंकल यहाँ माफी मांगने लगता है ये कहते हुए कि मैंने बस कुछ नहीं किया था, अगर मैं इसके साथ कुछ करता तो अभी ये जिंदा कैसे होता। और देखिए ये शेन तो यहाँ इमॉर्टल बन चुका है और आपके सामने सही सलामत खड़ा है, जिसपे शेन उन सभी से कहता है कि मैं यहाँ पे वापस रहने के लिए नहीं आया हूँ, मैं यहाँ अपनी एक चीज वापस लेने आया हूँ, क्योंकि मैं एक सुप्रीम बोन के साथ पैदा हुआ था और मैं उसी चीज को आज यहाँ से ले जाने आया हूँ। आगे वो चांग मिंग की तरफ तलवार तान देता है। अब यहाँ हमें सारे राज पे से पर्दा उठते हुए दिखता है, ये चांग मिंग के जो फादर होते हैं जो कि सेकंड अंकल है, उसने यहाँ शेन के साथ धोखा किया था, और ये जानते हुए कि उसके बॉडी के अंदर सुप्रीम बोन है उसे निकाल करके उन्होंने अपने बेटे को दे दिया था ताकि वो और भी ज्यादा पावरफुल हो सके और उस चांग फैमिली का नंबर वन जीनियस बन जाए। अब ये जान के सभी हैरान रह जाते हैं कि ये जो चांग मिंग है जिस सुप्रीम बोन के बदले में यहाँ पे नंबर वन बैठे बैठा है, जितनी शोहरत हासिल की है वो वाकई में इसका है ही नहीं है, बल्कि वो सुप्रीम बोन तो यहाँ शेन का है। अब ये सुनते हुए यहाँ पे जो थर्ड अंकल होते हैं वो शेन को ये आश्वासन देते हैं कि तुम्हारे साथ जो भी अन्याय हुआ था उसका मैं फैसला जरूर करूंगा और तुम्हें न्याय दिलवा करके ही रहूंगा। आगे वो उसे पूछते हैं कि जब तुम्हारे सुप्रीम बोन को निकाल दिया गया था तो फिर तुम जिंदा कैसे बचे, जिसपे यहाँ शेन बताना शुरू करता है कि सेकंड अंकल ने जब उसके बॉडी के अंदर से सुप्रीम बोन को निकाल दिया था और उसे जान से मरवाने के लिए उसने गुंडे भेजे थे, एक तभी एक इमॉर्टल सेक्ट के मास्टर जियांग ने उनकी मदद की थी, उनकी हालत में उसने तरस खाई थी और फॉर्चुनेटली मेरे मास्टर ने फिर मुझे बचाया और अपने सुपर नेचुरल पावर का यूज करके उन्होंने मेरी टूटी हुई बोन्स को दोबारा से रिकास्ट कर दिया। साथ ही इतना ही नहीं, उन्हें मुझ पे इतनी दया आ गई कि मेरे मास्टर ने मुझे अपने सेक्ट का एक डिसाइपल चूज किया और मेरे मास्टर ने मेरी रिस्पेक्ट की जहाँ मेरी फैमिली ने मेरी कदर नहीं की थी, और उनमें आज मुझे अपना रिबॉर्न पेरेंट दिखता है। अब यहाँ शेन के आप बीते सुन करके वो जो थर्ड अंकल होते हैं वो उसे कहते हैं कि तुम्हारे साथ जो भी बीता वो बहुत बुरा था, लेकिन एंसेस्टर की ब्लेसिंग्स थी तो तुम जिंदा सही सलामत हमारे पास वापस आ चुके हो और यहाँ तक कि तुमने इमोर्टैलिटी को भी प्राप्त कर लिया है। अब आगे वो जो सेकंड अंकल होते हैं जिसने शेन के साथ ये किया होता है, वो अपनी सफाई पेश करते हुए सभी के सामने कहते हैं कि जब से मैंने वो घटना शेन के साथ की थी तब से मैं एक दिन भी चैन की नींद नहीं सोया हूँ और हर पल मुझे पछतावा महसूस होता है।
जिस पे वो थर्ड अंकल उसे ही किक मारते हुए कहते हैं कि ये सब तुम्हारे कारण हुआ था और तुम्हारी लालच के ही कारण आज शेन मरते मरते बचा है। यहाँ पे इस तरह मेरा मुंह क्या देख रहे हो, तुम्हें जल्द से जल्द शेन से माफी मांगनी होगी। अब आगे वो सेकंड अंकल यहाँ शेन से माफी मांगने लगता है ये कहते हुए कि सब मेरी ही गलती थी, लेकिन शेन बच्चे मुझे माफ कर दो, ये सब सिर्फ मेरा सौर था कि मैं हमारी फैमिली का नंबर वन जो डीनियस था वो अपने बेटे चांगमिंग को बनाना चाहता था, लेकिन मेरा यकीन मानो जब से मैंने तुम्हारे साथ वो घिनौनी हरकत की थी तब से मैं खून के आंसू रोया हूँ। जिसपे थर्ड अंकल उनसे कहते हैं कि अगर शेन हमारे पास आके ये सब नहीं बताता हमें कभी पता नहीं चलता कि शेन के साथ आखिर हुआ क्या था और ऐसा करने वाले तुम थे, इसलिए हम तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे, इसलिए याद रखना आइंदा अब से इस तरह की गलती नहीं होनी चाहिए। अब बस इतना ही कहते हुए वो जो थर्ड अंकल होते हैं वो इंसाफ दे देते हैं और उस सेकंड अंकल को माफ कर देते हैं और आगे सबके सामने अब ये अनाउंस करते हैं कि अब हमारी इस चांग फैमिली में एक नहीं बल्कि दो दो जीनियसेस हैं, इसका हम काफी धूमधाम के साथ सेलिब्रेट करेंगे। इस पे वो जो फर्स्ट अंकल होते हैं ये सजेशन करते हैं क्यों ना इसे सेलिब्रेट करने के लिए आज एक बहुत बड़ी दावत रखी जाए। जिस पे थर्ड अंकल कहते हैं कि हाँ हाँ एक बहुत बड़ी दावत रखी जाएगी जिसमें हमारी पूरी फैमिली मिलकर के सेलिब्रेट करेगी और ये जो चांगमिंग के फादर यानी के जो सेकंड अंकल है उन्हें पनिशमेंट के तौर पे 3 बोतल वाइन्स को खत्म करना होगा। अब यहाँ पे शेन की तो सटक जाती है इस तरह की चोंचलीबाजी सुन करके कि सेकंड अंकल को उनके द्वारा किए गए घिनौने अपराध के कारण पनिशमेंट के तौर पे 3 बोतल वाइन्स को खत्म करने का ऑर्डर मिला है। यहाँ पे जो शेन होता है अब उससे रहा नहीं जाता और वो इससे पहले के कुछ कर पाता वो जो सेकंड अंकल होते हैं यहाँ पे आग में घी डालने का काम ये कहते हैं। जब वो यहाँ शेन को मक्खन लगाते हुए ये कहने लगते हैं कि जरूर तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ था ना मैं उसे कंपनसेट करूंगा और अब तुम सदा के लिए इसी फैमिली में ही रह जाना क्योंकि अब मैं अपने ब्रदर का कभी भी भरोसा नहीं तोड़ूंगा। अब यहाँ शेन अपने आपा खो देता है और जरा भी नहीं रुकता, वो एक जोरदार लात मारता है उस सेकंड अंकल को जिससे वो दूर जाके इतनी जोर से गिरता है कि उस चांग मिंग को तो ये लगता है कि अब उसका फादर तो गया काम से। इससे पहले कि अब हम आगे जान पाते कि क्या होता है अनफॉर्चुनेटली इस एपिसोड को यही फिनिश कर दिया जाता है। तो गाइज आपको कमेंट में ये जरूर बताना है कि यहाँ पे शेन के साथ जो हो रहा था उसे जो इंसाफ मिला था वो सही था कि नहीं या सिर्फ यहाँ न्याय के तौर पे उस फैमिली के अंदर पॉलिटिक्स चल रही थी। तो जल्दी जल्दी से मुझे कमेंट करना और हाँ ये भी बताना कि आपको आज का ये एपिसोड कैसा लगा है। बहुत ही जल्द मिलते हैं इसके नेक्स्ट अमेजिंग एपिसोड पे। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, गुड बाय।